अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हारने के मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया पर दाऊद इब्राहिम की कोरोना वायरस की वजह से हलाकत का दावा किया जा रहा है। ताहम दाऊद इब्राहिम के भाई और इसकी डी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनीस इब्राहिम ने कहा है कि दाऊद और इनकी अहलिया कोरोना का शिकार नहीं हुई और ये दोनों खैरियत से हैं। भारतीय मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम और इनकी अहलिया महजबी कोरोना वायरस का शिकार होकर एक हमसाया मुल्क के मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज थे। ताहम दाऊद इब्राहिम जानबर नहीं हो सके और कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के पर्सनल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी करंतीना कर दिया गया है। दूसरी जानब दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने भारतीय मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि इसका भाई दाऊद इब्राहिम और ख़ानदान के दीगर तमाम अफराद पूरी तरह से सेहतमंद और बखैरियत हैं। ना तो वो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और ना ही वो किसी फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दाऊद इब्राहिम सेहतमंद है और घर पर ही मुकीम है। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त किस मुल्क में कायम पजीर है। दाऊद इब्राहिम क्या बीमार है या बीमारी के हाथों शिकस्त खा चुका है? ये दोनों सवाल पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुरअसरार किरदार है जिसका अमूमी तासुर एक्शन फिल्मों के किसी किरदार जैसा है जो न सिर्फ आस पास मौजूद है बल्कि मुतहरिक और फाल भी है, लेकिन जिन्हें वो मतलूब है वो ना तो पिछली दो दहाइयों से इसे ढूंढ पाए हैं और ना ही देख पाए हैं। दाऊद इब्राहिम एक छलावे का नाम है। जिन्हें वो दिखाई देता है उन्हें वो पकड़ाई नहीं देता और जिन्हें इसके ठिकाने का इल्म है उन्हें इस बारे लपकुशाई की इजाज़त नहीं। दुनिया दाऊद इब्राहिम को एक डॉन, एक स्मगलर, मनशियात फरोश, असलहा डीलर और जिहादियों को फंडिंग करने वाले के तौर पर जानती है। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दिसंबर सन 1955 में इंडिया के शहर मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के यहाँ पैदा होने वाले दाऊद की फैमिली कुल 6 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें उसकी शरीका हयात जरीना जरी, बेटा मोइन इब्राहिम, बेटियां माहरूख इब्राहिम, महरीन इब्राहिम और मारिया इब्राहिम शामिल है। याद रहे कि दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी माहरूख पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जवेद मियांदाद के बेटे जुनेद मियांदाद की अहलिया है और दोनों दुबई में मुकीम है। जुनेद मियांदाद की माहरूख से मुलाकात लंदन में दौरान तालीम हुई थी। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है जिसने एक अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों खसूसन भारत को तिगनी का नाच नचा रखा है। इंटरपोल की सन 2008 की फहरिस्त के मुताबिक दाऊद का नाम दुनिया के 10 मतलूब तरीन दहशत गर्दों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर है, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर अफराद की लिस्ट में वो 57वें नंबर पर है। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर करता है लेकिन अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उसने 13 मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट बनवा रखे हैं। दाऊद इब्राहिम की कहानी दिलचस्प भी है और अजीब भी। मुंबई के जनूबी इलाके का रिहायशी दाऊद इब्राहिम तालीम अधूरी छोड़कर जराइम के रास्ते का मुसाफिर और मामूली भत्ताखोर से जराइम की दुनिया का बेताज शहंशाह कैसे बन गए, ये वो दास्तान है जिसे हर कोई सुनने का ख्वाहिशमंद है। एक जमाने में भारत के अंडरवर्ल्ड के अहम नामों में तेली मोहल्ले का बाशुदादा, खंडा मोहल्ला का हसू महाराज और सदी मोहल्ला का करीम सदी शामिल थे। करीम अपने हुलिया और डेल डोल के हिसाब से युगंडा के ईदी अमीन से मुशावत रखता था और फौजी वर्दी पहनकर कार्रवाइयां डालता था। लोग भी उसे ईदी अमीन ही के नाम से पुकारते थे। जब तक करीम सदी जिंदा रहा किसी को इस इलाके में पर मारने की जरूरत न हुई। वो अपने इलाके का बेताज बादशाह तसव्वुर होता था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम का उस्ताद खालिद पहलवान था जो सोने की स्मगलिंग का काम करता था जिससे उसने पैसा और नाम कमाया। लेकिन चूंकि सोने की निस्बत हीरों की स्मगलिंग आसान थी क्योंकि सोने की हवाई अड्डों पर सख्त चेकिंग होती थी, जबकि लाखों रुपए वालियत के हीरे महज जेबों, अंडरवियर या दूसरे सामान में छुपा कर ले जाए जा सकते। सो उसकी तवज्जो हीरों की स्मगलिंग पर ज्यादा रही। ये हीरे 200% मुनाफे के साथ अहमदाबाद और सूरत की डायमंड मार्केटों में बासानी फरोख किए जा सकते थे। इसी खालिद पहलवान की शागिर्दी ने दाऊद इब्राहिम को मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बनने में मदद दी। इसी दौर में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अमीरजादा पठान से इसका रब्ता हुआ और उसने जराइम का रास्ता इख्तियार किया। वो भत्ता वसूली के साथ साथ मनशियात का धंधा भी करता था और रफ्तार रफ्तार इस मैदान में आगे ही बढ़ता चला गया। इस दौरान वो अपने मुखालफिन को रास्ते से हटाता रहा। इसी दौरान इसका मुकाबला अमीरजादा पठान और इसके भाई आलमजेब पठान से हो गया जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर को कत्ल कर दिया। चुनाचे उसने जवाबी वार करते हुए इन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया जिस पर उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम जमानत पर रिहाई पाकर वो दुबई फरार हो गया जहां उसने सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी और इसके साथ बॉलीवुड की फिल्मी सनत में भी सरमायाकारी करने लगा। उसने कई बॉलीवुड फिल्में बनाई और इस शोबे में भी असर रसूख हासिल कर लिया। 1980 और 90 के अशरे के दौरान वो अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया और अरबों डॉलर असासों का मालिक बन गया। दाऊद इब्राहिम का नाम पूरी दुनिया में उस वक्त गूंजा जब सन 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए जिसके नतीजे में 260 के करीब लुकमाए अजल बने और 700 के लगभग जख्मी हुए। अगरचे इन धमाकों के मौके पर वो दुबई में था लेकिन एजेंसियों ने इस पर और इसके भाई अनीस इब्राहिम पर इन धमाकों की मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद कर दिया और इसे मफरूर करार दे दिया गया। इंडियन पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि मुंबई धमाके बाबरी मस्जिद मिसमार करने और सन 1952 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात के जवाब में कराए गए जिनमें सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए थे। इन फसादात का इल्जाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना पर आयद हुआ था। इंडियन पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि दाऊद इब्राहिम के अलकायदा और लश्कर तैयबा के साथ भी रवाबित है। इस मौके पर भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तानी इदारों ने कराची में अपना दे रखी है और साथ ही पाकिस्तान से इसकी वापसी का मुतालबा भी दाग दिया गया। ताहम पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इसकी अक्सर तरदीद करते हुए इसे महज इल्जाम करार दिया और वाजे किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हरगिज नहीं।
अमरीका ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में से मुलजिम करार दिया और इल्जाम लगाया कि उसका आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के साथ गहरा ताल्लुक है और उसे अमरीकी अदालत और FBI की तहकीकती रिपोर्ट की रोशनी में दहशतगर्द करार दे दिया और इसके दुनिया भर में असासों को मंजबिंद कर दिया। अमरीका ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के बारे में इल्जाम लगाया कि सियासतदानों को कत्ल करने, क्रिकेट मैचेस फिक्स करने, मनुष्यात की स्मगलिंग करने समेत बहुत से जराइम में मुलविस है। अमरीका ने मजीद इल्जाम लगाया कि दाऊद इब्राहिम के उसामा बिन लादेन के साथ भी ताल्लुकात हैं। अमरीकी एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने सन 1990 में अफगानिस्तान का दौरा किया था और तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें की। मजीद बरां दाऊद इब्राहिम अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल के कत्ल में अमरीका को मतलूब है क्योंकि अमरीकी एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी कराची का मरूफ ताजिर मसूद मेमन खालिद अमर रशीद ट्रस्ट की माली एनानत करता था और ये मसूद मेमन वही था जो डेनियल पर्ल को धोखे के साथ एक फ्लैट पर ले गया जहाँ पर इसका सर कलम कर दिया गया था, जिसके बाद मसूद मेमन मंजरेआम से गायब हो गया और बाद में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गया। सन 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों में भी दाऊद इब्राहिम को मुलविस किया जाता है और भारत की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि हमला करने वाले दहशतगर्दों की फंडिंग में दाऊद इब्राहिम भी शामिल था। ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई और श्रीलंका में बासर तरीन हुकूमती शख्सियात दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्तों में शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसी का दावा है कि दाऊद इब्राहिम की कराची और दुबई में रिहायशगाहें हैं। चंद माह कब इसकी मौत की खबरें भी मीडिया पर आईं तो इसके साथ ही छोटा शकील ने इनकी तरदीद करते हुए कहा कि महज अफवाहें हैं और दाऊद भाई जिंदा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम इन दिनों सख्त बीमार हैं और डॉक्टरों की निगहदाश्त में हैं। दाऊद इब्राहिम को 2 बार हार्ट अटैक भी हो चुका है और वो चाहता है कि जिंदगी की आखिरी सांस वो अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान में ले और अपने आबाई इलाके में इसकी तदफीन की जाए। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत का दावा है कि दाऊद इब्राहिम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया ने इसके सर की कीमत $25 मिलियन मुकर्रर कर रखी है, लेकिन इन तमाम तर दावों, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसलाती वसाइल होने के बावजूद दाऊद इब्राहिम को पकड़ना दरकुनार, उसकी मौजूदगी तक का सुराग नहीं लगाया जा सका। इस वक्त वो कहाँ है, यही वो मामला है जिसे भारत, अमरीका और बरतानिया की हुकूमतें और एजेंसियां अभी तक हल नहीं कर सकीं।